नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। वक्त हो गया है आज के ताजातरीन खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव और राजस्थान के जोधपुर का दौरा करेंगे, जहां पीएम सुबह 11:15 बजे महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लेंगे। वहीं शाम 4:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रयागराज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जाति जनगणना मेरे लिए राजनीति नहीं, मेरा मिशन है। बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हमने जातिगत जनगणना की बात इसलिए उठाई है ताकि लोगों को उनकी भागीदारी मिल सके। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। सरकार ने शनिवार को यूनिफाइड पेंशन स्कीम को किया मंजूर। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने को मंजूरी मिली है, जहां केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से केंद्र सरकार के लगभग 33 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इजराइल और हमास के बीच अक्टूबर 2023 से जारी युद्ध को लेकर वैश्विक स्तर पर दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करने के लिए आज काहिरा में नए सिरे से वार्ता शुरू हो रही है, जिसमें CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स और मध्य पूर्व मामलों के लिए व्हाइट हाउस के सलाहकार ब्रेट मैकगर्ग हिस्सा लेंगे। इसके अलावा कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान और मिस्र के खुफिया प्रमुख मेजर जनरल अब्बास कामेल भी मध्यस्थ के तौर पर शामिल होंगे, जहां मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने इसराइल को अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत पर बल दिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज से T20 लीग 2024 धमाल मचाने को तैयार है, जहां रविवार की शाम को आयोजित होने वाली ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड स्टार आयुष्मान खुराना और कृति सेनन के मनमोहक डांस से हजारों लोगों को अपनी ओर खींचेंगे। साथ ही रैपर बादशाह के जोशीले गाने माहौल को और रंग देगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के सूत्रधार, सामाजिक न्याय के योद्धा एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की आज 106वीं जयंती है। इस अवसर पर पटना के जगजीवन राम शोध संस्थान में एक भव्य जयंती समारोह मनाने की तैयारी है। बता दें कि बीपी मंडल के नाम से ही मंडल कमीशन के तहत OBC आरक्षण मिला था। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां जोरों पर शुरू हो चुकी है, जहां श्री कृष्ण की जन्मस्थली ब्रजभूमि में 5251 में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का शुभारंभ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। इस दौरान CM मथुरा में गुब्बारा उड़ाकर इसकी शुरुआत करेंगे। इस दौरान CM मथुरा में 583 करोड़ रुपए की 137 परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। और जैसा कि आपको पता है कि कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज को लास्ट तक जरूर देखिए। गीता भवन ट्रस्ट इंदौर और MP सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा गीता भवन में भगवान कृष्ण पर आधारित एक दिवसीय व्याख्यान कार्यक्रम में आज CM मोहन यादव शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में भोपाल के विजय दत्त श्रीधर और प्रभु दयाल मिश्र व्याख्यान देंगे। यह कार्यक्रम गीता भवन ट्रस्ट इंदौर और राज्य शासन के सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। पटना में एम्स के सुरक्षा पदाधिकारियों पर फायरिंग मामले में राजद विधायक रीत लाल यादव के भाई की खोज तेज हो गई है। बता दें कि इस घटना के बाद हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पुलिस ने कागजी प्रक्रिया के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया। पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में 50 क्विंटल गौमांस के साथ पकड़े गए दो आरोपियों को अदालत ने 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है, जहां पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है और अन्य 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती में शामिल होने वाले युवाओं को इस बार बसों में मुफ्त सफर की सुविधा नहीं मिलेगी, जहां चुनाव आचार संहिता के चलते यह सुविधा बंद कर दी गई है।
ईडी की सम्मन की अवहेलना करने के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में 30 अगस्त को सुनवाई होगी, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में संज्ञान को चुनौती देते हुए इसे रद्द करने का आग्रह किया है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की बैठक हुई, जहां इस बैठक में छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान शाह ने कहा कि वामपंथी उग्रवाद को एक मजबूत रणनीति के साथ निर्णायक झटका देने का समय आ गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग में फेरबदल किया गया है, जहां विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभय तिवारी को राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी विधायक नितेंद्र शाह राठौर को सौंपी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि सरकार ने जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं किया और महंगाई बढ़ाकर लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी पर चुनावी प्रतिबंध जारी है, अगले 5 साल तक नहीं लड़ सकेगी ये चुनाव। हालांकि कुछ समय पहले तक यह उम्मीद जताई जा रही थी कि जमात पर लगा प्रतिबंध हट जाएगा और वह जम्मू कश्मीर के चुनावी रणनीति में वापस आ सकेगी। राजस्थान के विभारी में आर्मी एरिया के पास अलकायदा का आतंकी कैंप का हुआ खुलासा, जहाँ हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले रहे थे 6 संदिग्ध, 3 साल पहले भी पकड़ा गया था स्लीपर एजेंट। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज 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 वे भी न्यूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अब बारी है कल के न्यूज पर कमेंट करने वाले लोगों के नामों की। उनके नाम है वशिष्ठ तिवारी, स्वर्दिन विश्वकर्मा, गीता अनुरागी, सुनील कुमार पाथिपाका, अशोक परमार, सुनील कुमार पाथिपाका, रोहतास कुमार बघेल, मेदीलाल मौर्य, रक्षा आर्या, रोहतास कुमार बघेल, सुल्तान सारी, सुनील कुमार पाथिपाका, अयोध्या प्रसाद राठौर, महादेव शर्मा, राजेश राय, गौतम महतो, दीनाबंधु कलसाई, शिवाजी पटेल, प्रवीण कलिता, वीरेंद्र शाह, करुणा चक्रवर्ती, राजेंद्र केलबा, बंटी हजारिका, अशोक आर्या, वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, सुधीर कुमार मिश्रा, दिनेश कुमार, गुडवेज ट्रेवल्स, प्रहलाद पंडित, रणधीर सिंह, विनोद तिवारी, केपी तिवारी, अरुण दांगे, वीरेंद्र कुमार, रणधीर सिंह, काजल गांगली, सत्येंद्र शाह, सुनील कुमार पाथिपाका, उपेंद्र और डीके पाठक। तो ये थी आज की ताजातरीन खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।